हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटन करी रेसिपी। दोस्तों, मटन बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 किलो मटन लिया है, बिल्कुल फ्रेश मटन लेकर आए हैं बाजार से। और उसके बाद हमने ये देखिए 2 टमाटर हैं जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है, 2 प्याज, 3 से 4 हरी मिर्ची, 25 से 30 ग्राम लहसुन की जिनको हमने बारीक पीस लिया है, ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में काट लिया है, 2 छोटी चम्मच हमने यहाँ पर मिर्ची पाउडर लिया है, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर लिया है, ये नमक लिया है स्वाद के अनुसार डालेंगे, और 2 बड़ी चम्मच सरसों का ऑयल लिया है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ में ले सकते हैं, वैसे सरसों का ऑयल में जो है मटन वो अच्छा बनता है, इसलिए सरसों का ऑयल लिया है हमने। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मटन है उसको अच्छे से धो लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। तो ये हम इसके अंदर पानी डाल देंगे, ये देखिए पानी डाल दिया है मटन के अंदर, और इसको अच्छे से दोनों हाथों से जो है रगड़ रगड़ कर धोना है हमें, ताकि इसके अंदर बाल या जो भी गंदगी है वो दूर हो जाए। 2 से 3 बार धोना है इसे, पानी से वॉश करना है बिल्कुल अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से जो है, इस बात का खास ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इसके अंदर कई बार जो है बाल वगैरह गंदगी आ जाती है, इसलिए उसको अलग करना पड़ता है। तो ये देखिए हमने साफ कर लिया है, और अलग बर्तन में निकाल लेंगे अभी इसे, अच्छे से निचोड़ लें, पानी को अलग कर दें। बहुत ही शानदार मटन बनकर तैयार होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। बहुत ही लाजवाब मटन की रेसिपी आपके लिए लेकर आया हूँ, खास जो है झटपट तरीके से घर पर मटन बनाने की विधि है, बहुत ही स्वादिष्ट मटन बनेगा। ये देखिए अच्छे से जो है रगड़ रगड़ कर धोना है, और इसे भी जो है, तो ये देखिए फ्रेंड्स मटन को हमने जो है अलग बर्तन के अंदर निकाल लिया है, बहुत ही अच्छे से साफ़ किया है मटन को। तो चलिए गैस को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुकर हमने रख दिया है गैस के ऊपर, और कुकर को बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे तेल, ये देखिए तेल डाल दिया है, और तेल को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से गर्म करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तेल गर्म हो चुका है, तो अब इसके अंदर हम डालेंगे अदरक के टुकड़े, ये देखिए अदरक के टुकड़े डाल दिए हैं, और इनको बिल्कुल अच्छे से फ्राई होने देना है। अदरक के टुकड़े फ्राई हो चुके हैं, ब्राउन हो चुके हैं, अब इसके अंदर हम डालेंगे मिर्ची, हरी मिर्ची, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज, ये प्याज भी डाल दिए हैं, और हरी मिर्ची और प्याज को अच्छे से फ्राई करना है तेल के अंदर। दो से तीन मिनट में जो है हरी मिर्ची और प्याज दोनों फ्राई हो जाएंगे, और गैस को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर रखना है हमें। आज बहुत ही झटपट तरीके से जो है मटन बनाने की विधि बता रहा हूँ आपको, तो वीडियो को बीच में स्किप ना करें, वीडियो को लगातार देखते रहें। तो प्याज और हरी मिर्ची फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर, ये देखिए हल्दी डाल दी है, और हल्दी को जो है अच्छे से मिक्स कर देंगे, हल्दी को भी पकाना जरूरी है। तो ये देखिए हल्दी पक चुकी है, जैसे जैसे कि आप देख रहे हैं। अब इसके अंदर डालेंगे मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर डालेंगे, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए मसाले को अच्छे से पकाना है, अब डालेंगे टमाटर, टमाटर को भी मिक्स कर देंगे,
अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि गर्म तेल में मसाला गले नहीं। मसाला बिल्कुल पक चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं, और मसाले के अंदर से जो है खुशबू आने लगी है। अब इसके अंदर डाल देंगे मटन और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मटन को 2 से 3 मिनट तक और फ्राई होने देते हैं तेल के अंदर ताकि मसाला भी अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए मटन लगभग फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे गार्लिक, लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स लहसुन के पेस्ट को जो अच्छे से मिक्स कर दिया हमने, और अब इसको अच्छे से जो है गर्म होने देंगे 2 से 3 मिनट तक। देखिए मटन जो है वो गर्म हो चुका है, और अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे आवश्यकता के अनुसार। ये देखिए हमने लगभग आधा लीटर पानी डाल दिया है इसके अंदर, और पानी को अच्छे से उबलने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स पानी उबलने लगा है, तो अब हम कुकर को ऊपर से ढक्कन लगा देंगे। तो ये देखिए ऊपर से ढक्कन लगा दिया हमने, और अब 4 से 5 सीटी लगने देते हैं। 5 सीटी में लगभग जो है मटन बनकर तैयार हो जाएगा। तो वीडियो में लगातार बने रहें। तो ये देखिए फ्रेंड्स मटन बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, 5 सीटी लग चुकी हैं। अब हम जो है ये कुकर के ढक्कन को खोल लेते हैं ऊपर से। तो ये देखिए ढक्कन को हमने खोल लिया है, और मटन बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट मटन बना है, ये देखिए बहुत ही लाजवाब अच्छी खुशबू आ रही है। और अब इसको 1-2 मिनट तक और हम जो है गैस के ऊपर थोड़ा पका लेते हैं। देखिए थोड़ा 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे इसे खुला ही, ताकि इसके अंदर जो पानी है वो थोड़ा कम हो जाए और बिल्कुल अच्छी ग्रेवी वाला मटन बनकर तैयार हो जाए। तो वीडियो में लगातार बने रहें दोस्तों, बस कुछ ही सेकंडों में जो है मटन बनकर तैयार होने वाला है। ये देखिए फ्रेंड्स मटन जो है वो उबलने लगा है, और इसे 1 से 1.5 मिनट तक और उबालेंगे हम, ताकि और भी स्वादिष्ट बन जाए और भी घुल जाए और पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए, उसका थोड़ा उब जाएगा पानी। देखिए बहुत ही लाजवाब मटन बनकर तैयार हुआ दोस्तों, बहुत ही अच्छा ग्रेवी वाला और चटपट तरीके से जो है मटन बनाने की विधि मैंने आपको बताई है। ऐसी विधि कहीं पर भी नहीं मिलेगी,
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, अब हम गैस को बंद कर देंगे और बटन बिल्कुल रेडी है बनकर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।